कोई ना, आ लेंदे तेरी मां ते तेरे भरा नू, मैं दसदा उन्होंने तेरिया सारिया गल्लां। ते होर की दियो रा, ये ते बाली चांबली फिरदी है, ये ते मिन्नू भी नहीं कुछ समझदी, ये ते गिठ लम्मी जबान लगी है। कोई गल नहीं भाभी, तुही अगे तो अपना सारा समान जेड़ा ना लॉकर च सामभ के रखिया करो, वो ते रब का शुक्रिया जेड़ा सानू एदी असलियत का ना छेती पता लग गया, नहीं तो इन्हें अजे होर पता नहीं किनिया के चोरियां करनिया ही इस घर दे विच। ओ चुप कीता रहे ओ साले, एक ते तेरी भैन चोरी करे साडे घर दे विच, ते उत्तों तू रोब पावे वह भी साडे घर दे विच आण के, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जे लोगों को पता लग गया ना, उन्होंने सारे टब्बर का जीना मुश्किल कर देना वा, ते गुस्से में आके घर छड़ के नहीं जाइदा, चुप करके ते अंदर चल जा। चल ठीक है भाभी, जे तू ही कहिंदे जे ना ते मैं घर छड़ के नहीं जाता, क्योंकि मैं तुहाडी बहुत इज्जत करदा आं, पर तू ही इन्हां नूं एक गल समझा दो कि जे हुण मेरे सामने कोई भी बोलिया ना ते फिर ना कहन जे मेरे कोलों इन्हां दी कोई लापा होगी। ते चंगा देवरा, ठंडा रह, एवें ना गर्म होई जा, जा अंदर जाके बह जा, इन्हां नूं समझा देनी है मैं आपे अपने तरीके नाल। चल ठीक है भाभी, चल जाना आ। सारे जने कान खोल के मेरी गल ध्यान ना सुन लो, हुण इस टॉपिक ते दोबारा किसी ने कोई गल नहीं करनी, जाओ जाके अंदर बह जाओ, बथेरा तमाशा विखाता तुसीं मैनूं। नहीं चुप कीती रह, बहुती प्रधान हो ना बाणा, किड्डा रोह मार लगी है थानेदारां वांगा साडे ते। कोई गल नहीं मम्मी जी, तुसीं गुस्सा ना करो, दीदी का तो सारा दिन इहो काम हुंदा वा, रोब झाड़न दा ही, जे अहीं इन्हां नूं कुछ कहिंदे नहीं ना तां ही इह दिनों दिन साडे सिर ते चढ़ी जांदे आ। ते होर की है पुत, तां ही बहुता चंबली फिरदी आ इह। दराणीए चुप कीती रह, एवें मेरे नाल बहुते पंगे ना लै, फिर ना कहीं मैं तैनूं दस्सिया नहीं आ। किरन पुत चल अंदर, तू ना कुछ बोली। कोई ना, इनू ते मैं चंगी तरह सिद्धिया करांगी, अज तू चुप कीती रह, अज इहदी बथेरी बेइज्जती हो गई आ, बाकी इहदी कल नू करांगी। चलो ठीक है भैन जी, हुण अहीं फिर चलदे आं, घर जाके बथेरे काम करन वाले पए आ। चलो ठीक है भैन जी, नाले तुसीं सानूं माफ़ कर दिओ, जिहड़ा मुंडा तुहानूं वध घट बड़ा ही बोलिया वा। ना ना भैन जी, तुसीं ना माफ़ी मंगो, तुसीं क्यों माफ़ी मंगदे जे, फिर की होया जे उन्हें कुछ कहता आ, अपना ही मुंडा आ, अहीं कहड़ा उहदी किसी गल का गुस्सा किया। किरन पुत तैनू की होया आ, तू क्यों रोण लग पई आ? मम्मी जी तुसीं अज नहा जाओ, कल नूं चल जाओ। हाँ नहीं भैने, साडा रात रहा नहीं सरना, तेनों तो पता वा घर का औखा हो जाता वा, डंगर वछा भी सामभना वा, बेचारे धुप्पे बैठे होने आ, उन्हां नूं जाके पट्ठा दत्था पाउणा वा। हाँ पुत तू सही कहन डिया वा, वह बेचारे तो बेजबाने आ, उन्होंने कहड़ा कुछ बोल के दसना वा, जाओ चल जाओ तुसीं, तुहाडा जे नहीं सरदा ते। किरन पुत तू इदा कर, अपनी मम्मी हुणां दे नाल चल जा, दो चार दिन रह जा, आपे तेनों नव जा के लै आवेगा। ओ माता एवें ना कही जा कि मैं लै आवांगा जा के इहनूं, मैं कोई नहीं लैन लून जाना इहनूं, आ जिहड़ा भरा इहदा बैठा है ना इत्थे, आपे छड़ जूगा, मैं ठेका नहीं लिया लिआउंदा, एवें तेल फूका मैं अपना मोटरसाइकिल दे विच पा के, वाधू नहीं आउंदा कोई तेल। कोई गल नहीं भाजी, मैं अपनी भैन नूं बस ते आण के आपे छड़ जाऊंगा, तुसीं अपना तेल बचा के रखो। ओ सालिया की बोली जाना आ तू, तैनूं की लगता मैं कंजूस आ जिहड़ा तेल बचावांगा, एवें फुकरियां जिहां ना मारी जा मेरे अगे, कोई लोड़ नहीं तैनूं लै के आउण दी इहनूं बस दे उत्ते, मैं आपे लै आवांगा जा के इहनूं। चलो ठीक है फिर भाजी, तुसीं आ जाओ आपे भैन नूं लैण, चलो मम्मी हुण चलीए, टाइम बड़ा हो गया वा। ठीक है पुत, चल किरन पुत तू दो चार सूट अपने लिफाफे च पा ला, फिर आपां चलीए। चलो ठीक है मम्मी जी।
माता होने नू चंगी तरह समझा के भेजी कि अगे तो कोई गलती ना करे सहुरे घर दे विच। एक बार तो भाभी दे कहन दे उते इन्हें मैं माफ करता आ, पर जे अगे तो इन्हें दोबारा कोई गलती की ना फिर छड़ना नहीं इनू मैं। कोई गल नहीं पुत, तू ठंडा रहा कर, एवें गुस्सा नहीं करीदा हुंदा, मैं इनू समझा दांगी। मम्मी जी मैनू समझाउणा की आ, मैं कड़ा कोई गलती की है? जिदा मैं अपने पेके घर नू फुलांगू सांभिया ही ना, उदा ही मैं अपने सहुरे घर नू सांभिया वा, भावें तुसीं मम्मी जी नू पुछ लो। नी दराणीए चुप कीती रह, एवें नहीं इन्ने मूँह दे मिठे बणीदा हुंदा। चलो जाओ पुत, शामा पैन वालियां हो गई ने, एवें कितें लेट ना हो जाओ, इहदे ते दिमाग नू पता नहीं की हो गया वा, इन्ने ते पंगे लैणों हटना ही नहीं गा। कोई ना माता, तेनू ते मैं दो दिनों च सूत्र कर देना वा, आई है मैनू चंगा माड़ा बोलण वाली। चंगा फिर मम्मी जी, चलदी हाँ मैं। चंगा पुत्र आ जी रह। चंगा ना बाए फिर, मैं चलदी हाँ। की चंगा चंगा लाई आ, बाए ते इदां करन डई जिदां तू लंडन चली होवें, लगी आ मैनू बाए करन वाली। किरन पुत, तू इहदी गल दा गुस्सा ना करी, तेनू ते पता ही है इहदे सुभा दा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं गुस्सा क्यों करना भला। चलो भैन जी चंगा फिर। चंगा भैन जी। चंगा मासी। चंगा पुत। मैनू लगदा हुण अंदर चलीए की गेट वाल वेखी जानी आ चल गई नूं तेरी लाडली पेके आ नूं नी तेनू भोरा नहीं अकल हैगी भी सस नाल किदां बोली दा वा तेरी दिनों दिन अकल गिटियां च जाई जांदी आ मैनू लगदा हुण तेरी मां नूं सद्दणा ही पैणा वा तेरियां करतूतां दसण वास्ते माता मैं ते इदां ही बोलणा ई तू जो करना वा कर ला ते नाले मेरी मम्मी ने मैनू कुछ नहीं कहना मैं कल्ली कल्ली उहनां दी लाडली जी धी आ उहनां ने मैनू छोटी हुंदी तों लै के ना हुण तक कदे माड़ा नहीं किया ते तेनू की लगदा वा तेरियां दो चार गल्लां सुण के मैनू माड़ा कहणगे ओ कोई ना माता, तू मैनू कमली दसदी आ, जे एक दो दिन च मैं तेनू कमली ना करता ते फिर मेरा नाम भी कवल नहीं। चंगा ही होया चल गई है जिहड़ी अपने पेकियां नूं, किन्ने दिनों दा इन्हें मेरा दिमाग खराब करके रखिया ही, ना कोई काम करदी ही ते ना कार करदी ही, सारा दिन वेली फिरदी रहिंदी ही। चल जो मर्जी होया, चल ते गई है ना, हुण दो क दिन ते मैनूं सुख दा साह आऊगा ना, हुण मैं भी नहीं हफ्ता क जे लैन जाणा इहनूं, आपे वेखी फिर किद्दां अकल टकाणे आउंदी आ इहदी। फिर इहदी माँ ने ना आपे फोन करके कहना आ वे पुत लै जा मेरी धी नूं आण के। भुख बड़ी लगी आ, सवेर दी रोटी भी नहीं खाधी, जाओ हुण तुसीं इदां करो रोटी पा लिया। हाय रब्बा वीर जी, तैनूं भुख लगी ही तू मैनूं उत्थे दस दिंदा ते मैं तैनूं रोटी पका दिंदी। भैणे उत्थे तुसीं मैनूं रोटी की खवालनी ही, उत्थे ते भाईए ने बहना मुश्किल कीता ही, अज ते मैं भाईए नूं चंगी तरह बंदा बना देना ही, बस तुसीं मैनूं चुप कराई गए ही। वे पुत, असीं ते कुड़ी दे भले वास्ते कहिंदे आ, कहिण नूं ते आपां वी बड़ा कुछ कह सकने आ, पर असीं कुड़ी वाले आ, बहुत कुछ वेखणा पैंदा आ। माता अज तो मैं ताडे करके चुप किया रहा, पर अगे तो मैं चुप नहीं बहना, जे कि इदा की गल फिर हो गई फिर ना क्यों कि मैं तुहानू दस्या नहीं, मैं चंगी तरह बंदा बना देना भाईए नूं, मैं ये गल नहीं बर्दाश्त कर सकता जे कोई मेरी भैन नाल माड़ा सलूक करे ते। नाले माता अहीं अपनी कुड़ी नूं उत्थे व्याह के भेजा आ, वेचिया नहीं आ। हाँ हाँ पुत, तू सही कहना आ, नाले हुण तू ठंडा रह, इन्ना गुस्सा नहीं करीदा, जा मेरी धी इहनूं पाणी लिया दे ते नाले अपने लई वी लैवीं।
ठीक है मम्मी जी। आला वीरे पानी आलो मम्मी जी। किरण पुत तुम ही पीला बैग। ठीक है मम्मी जी। माता मेरा तो अज सिर ही बड़ा पीड़ करी जा रहा है। वीरे तू मेरी बहुत ही फिक्र ना कर। मेरी फिक्र करद्या तेरा सिर दुखन लग पिया वा। एवें गल मानते ना ला। हाँ पुत तेरी भैन सही कह रही है। तू फिक्र ना कर, उपर बैठा रब सब ठीक करूगा। माता मैनू तो गुस्सा आई जाता भाइये ते। पता नहीं मेरी भैन वो कि तंग करता होगा। आपां भी बड़ी काली करती अपनी कुड़ी दे व्याह ते। मुंडे बारे कुछ पुछगिछ नहीं कीती विचोलियां दे मगर लग के ते अपनी भैन दे लेख लू ते। ना वीरे तू बहुता दुखी ना हो। ओ इन्ने माड़े भी नहीं हैगे। मैं उत्थे बहुत खुश हाँ। वो तो दीदी सारा दिन चलाकियां करते रहिंदे आ जान जान मैनू बुरी बनाउण लई। मम्मी हुण भी दीदी ने जान बुझ के मेरे कमरे च झाले रखे ही मैनू गालां पाउण लई। फिट्टे हाल इस कुड़ी दे किन्नी चलाक आ। कोई ना धीए उपर बैठा रब सब कुछ वेखण डिया आ। तू सच्ची है ना आपे तेरा इंसाफ ओ ही करेगा। उन्नू ते उहदे माड़े कर्मां दी सज़ा मिल ही जाणी है एक ना एक दिन। हाँ जी मम्मी जी उह सियाणे कहिंदे हुंदे ना कि जदों पापां दा घड़ा भर जांदा वा ते उह एक ना एक दिन जरूर टुट जांदा वा। कोई ना रब एक ना एक दिन इहनूं वी जरूर सबक सिखाऊगा। वेख भैणे तू चुस्त रहा कर। नाले जे उह ज़्यादा ही चलाकियां करदे आ ना ते उहनां दा ध्यान रख्या कर कि उह की करदे आ ते की नहीं। कोई ना वीरे अगे तो मैं जाग ना ओदा पूरा ध्यान रखांगी। तू फिकर ना कर हुण ओदा भी माड़ा टाइम आऊगा। चल मना बाहर जाके वेखा सही बुढ़ी की करदी आ। होर ना होवे आप बाहर लम्मे पई होवे ते सारा काम मेरे मत्थे मढ़ दे। मेरा ते किरण बिना जी नहीं लगन डिया। जदों किरण घर हुंदी आ ते घर विच किन्नी रौनक हुंदी आ। मेरे अगे पिछे मम्मी जी कर दी तुरी फिर दी है। वेख तां सही बुढ़ी वाल किड्डी लम्मे पई आ। किते इहनूं इन्ना नहीं हैगा कि रोटी टुक भी करना वा। किड्डी मजे नाल लम्मे पई आ। की गल माता बड़ी लम्मे पई आ। जी नहीं लगन डिया नूं तो बिना। बड़ा मूंह लमकाया वा। ਨੀ ਕੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਨਾਲੇ ਆ ਪਈ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੰਮੇ ਪਈ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਗਿੱਠ ਲੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇਰੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਮਾਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ 500 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਨੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਰਹਿ। ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਈ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਸੋਲੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਵਿਹਲੀ ਵਿਗੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਵਲ ਨਾ ਕਹੀ। ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਭਾਬੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਤੇ। ਪਰਾਂ ਹੋ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੀ।